ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। वर्स्ट एवर म्यूटेशन दैट इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड इन साउथ अफ्रीका। क्या वजह से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है, यानी कि जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है कि जो लॉकडाउन है वो दोबारा से आ जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक कोविड का एक जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये अब आ चुका है। इससे पहले जैसे डेल्टा आया था तो उसका हमने रिजल्ट देखा था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर। पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका था इंडिया में, स्पेशली हर जगह पे, हर स्टेट पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, और जो लोग थे वो कितना डर चुके थे इस चीज़ से, वो हमने सभी ने देखा है। और जो रिजल्ट इसका क्या निकल के आया था, कितनी इसके साथ जाने गई थी, कितना नुकसान हुआ था, भारी नुकसान हुआ था, वो भी हम सभी ने देखा था। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, बेसिकली क्या इससे कोई नुकसान होने वाला है, ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसे कि B.1.1.529 के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था बोट्सवाना के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और उसके बाद ये जो वेरिएंट है और बहुत सारे कंट्रीज में भी देखा गया था। 24 नवंबर वो डेट है जिस दिन साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने WHO को इस वेरिएंट के बारे में अवगत कराया था, और उसके बाद से जो देखने के लिए मिला है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये बहुत सारी मेजर कंट्रीज में फैल चुका है, जैसे कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, हांगकांग और भी बहुत सारी कंट्रीज में ये फैल चुका है। और ये देखने के लिए मिल रहा है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आप तक जब तक ये वीडियो पहुंचेगी, तब तक ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, हर मेजर कंट्री में ये वेरिएंट फैल चुका होगा। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें फाइनेंशियली, मेंटली, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स जो हैं जो नॉर्मल पर्सन के ऊपर हमें देखने के लिए भी मिल सकते हैं। और दोस्तों WHO ने इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है, यानी कि वो वेरिएंट जिसकी ट्रांसमिलेबिलिटी जो है वो बहुत तेजी से फैलती है, यानी कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, और जैसे ही ये स्प्रेड होता है इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत सिवियर होते हैं, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है इसको माना जाता है। अभी तक हमें 4 वेरिएंट्स जो है वो देखने के लिए मिल चुके हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा, और इनमें से जो डेल्टा वेरिएंट है इसको सबसे ज्यादा सिवियर माना गया था, क्योंकि इंडिया में लास्ट अक्टूबर 2020 में पहली बार इस वेरिएंट को देखा गया था, और इसकी वजह से बहुत भारी जो नुकसान था वो भी देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों अगर हम बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, तो बेसिकली जो रिसर्च किया जाता है, जो चेक किया जाता है, ये जो वायरस है इसके ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं इनके बारे में चेक किया जाता है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कहा जाता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें 32 तरह के जो म्यूटेशन है वो बन रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें डेल्टा के बारे में, तो डेल्टा वेरिएंट के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन था उस वायरस के ऊपर, तो उसमें 9 म्यूटेशन थी, जबकि ओमिक्रॉन में 32, यानी कि 32 स्पाइक प्रोटीन के जो म्यूटेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट का जो स्पाइक प्रोटीन में 9 म्यूटेशन हो रही थी उसकी वजह से कितना नुकसान जो था वो झेलना पड़ा था, और ओमिक्रॉन में 32 स्पाइक प्रोटीन के जो म्यूटेशन है वो भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है कि एक वेरिएंट में इतने सारे जो स्पाइक प्रोटीन्स के जो म्यूटेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसके बारे में WHO ने सभी को सचेत रहने के लिए कह भी दिया है। और अगर हम बात करें इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कि ये कितनी जल्दी ये फैलता है, स्प्रेड होता है, तो इसके बारे में अगर हम WHO की बात माने तो WHO का इस चीज़ के ऊपर कहना है कि अभी हमारे पास इसके बारे में कुछ स्पेशल डाटा नहीं है, क्योंकि इसको अभी अभी देखा गया है और ये रिसेंटली ही इसको डिस्कवर किया गया है, तो अभी इसके ऊपर कोई भी बात करना ठीक नहीं रहेगा। और जैसा कि अगर हम बात करें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर जो वैक्सीन हैं क्या वो इफेक्टिव हैं, तो अभी इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक डाटा है वो नहीं है, क्योंकि अभी इसमें 1 से 2 हफ्ते का जो समय है वो लग सकता है, क्योंकि जो रिसर्चेज हैं, जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अभी इसके बारे में कुछ भी जो है वो कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन डेफिनेटली ये माना जाता है कि वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। जो भी स्पेसिफिक जो मेजर्स हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनको हमें अपनाना ही पड़ेगा, जैसे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क हर समय पहनने का, और डेफिनेटली वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्टिल अगर इस ओमिक्रॉन वेरियंट में इतना ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हम कुछ और चीजें भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था डेल्टा वेरिएंट में, कि हमने सबसे ज्यादा कीवा सिल्वर प्लस का इस्तेमाल किया था और इसके बहुत सारे शानदार रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले थे। हमें नॉर्मल लोगों के साथ साथ अपने खुद के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स थे जिनके की बहुत ही अच्छे रिव्यू और रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ हमारे अपने लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको कि कोविड के दौरान जो इससे इफेक्ट हुए थे और इनसे रिकवरी भी उन्होंने बहुत जल्दी कर ली थी, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और उन्होंने इसको जमकर प्रमोट भी किया था अपनी अपनी टीम्स के अंदर। और कीवा ने भी इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया था कोविड के दौरान, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार मिल रहे थे। तो अभी ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि इससे पहले कि जो वेरिएंट है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, अपने साइड इफेक्ट वो सबके सामने लेके आए, हमें अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली कीवा सिल्वर प्लस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बल्कि करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कीवा सिल्वर प्लस के बारे में बात करें तो जो डिटेल वीडियो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे आपको जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो भी सभी मिल जाएंगे, इनको लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाने का काम करता है, यानी कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो किसी भी वायरस के अंगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और हमें बीमारी से बचाता है, और अगर बीमारी हो भी जाए तो उससे लड़ने में ये वहाँ पे सक्षम होता है। तो दोस्तों, हमें अपना और अपनी फैमिली का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखने के लिए डेफिनेटली कीवा सिल्वर प्लस को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आने वाले खतरे से बचना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और डेफिनेटली आप हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।